तो समझो इंसान क्या है। तो अभी तक यानी कमालात नबात तुम्हारे अंदर है, दरख्तों के अंदर जितने कमालात हैं वो तेरे पास हैं, पत्थर के जो कमालात हैं वो तेरे पास हैं, हैवानात के अंदर जितने कमालात हैं वो तेरे पास हैं। तो हमने कहा इंसान का इंसानी कमाल क्या है। हमने कहा कि हैवान एक जगह पे आके स्टॉप हो जाता है। मिसाल, चिड़िया जैसा घोंसला हजार साल पहले बनाती थी आज भी वैसे बनाती है, तरक्की नहीं है। मतलब जितना खुदा ने सिखाया वही करती जा रही है, मजीद सीखने की सलाहियत नहीं है। शहद की मक्खी जैसा छत्ता हजार साल पहले बनाती थी आज भी वैसा ही बनाती है। जितना सिखाया गया, जो फीड किया वही उसके जहन में बैठा है, उससे ज्यादा उसके अंदर सलाहियत नहीं है तरक्की पाने की। एक तोता आप घर में लेकर आए, उसकी आपने थोड़ी तरबियत की, चार जुमले सिखाए, पांच जुमले सिखाए, अब ये नहीं उसे पूरे कुरान का हाफिज बना दो, अब ये नहीं कि उसे सारी चीज समझाओ, नहीं, उसके अंदर महदूद सलाहियत है सीखने की। कमाल बशर यह है कि अगर यह पहले जंगलों में रहता था आज शहरों में रहता है, पहले दो तबका बिल्डिंग बनाता था आज 100 तबका बिल्डिंग बना लेता है, पहले लकड़ी की कश्तियों में था आज लोहों की कश्तियों में है, पहले मसलन हज पे जाते हुए महीनों लगते थे आज जहाज पे बैठता 2 घंटे में पहुंच जाता है। तो डे बाय डे इंसान क्या कर रहा है, तरक्की। तरक्की क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक सलाहियत है। उस सलाहियत का नाम क्या है कि ये लामहदूद अनलिमिटेड तरबियत पाने की सलाहियत रखता है। यही शान इंसान है, यही कमाल इंसान है। तो हम दुनिया में आए किस चीज को मजबूत करें, अपनी तरबियत को मजबूत करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने इल्म को बढ़ाएं, क्योंकि यही तुम्हारा कमाल है, यही कमाल बशर है। अब पाकिस्तान या इंडिया या चाइना या जापान, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, सारे इंसान एक ही चीज के पीछे हैं और उस चीज का नाम है कमाल। अब प्रैक्टिकली सोचना, सुबह जब जॉब पे जाओ ना, ये लोग रोडों पे दौड़ते हुए देखो, ये ऑफिस जा रहा है, ये रक्षा चला रहा है, वो बस चला रहा है, ये सारे किस चीज के पीछे हैं, कमाल के पीछे हैं। लेकिन सवाल, कमाल है क्या, कमाल कहते किसे हैं? कहते कमाल की तारीफ ही है, हर वो चीज जिसे इंसान कमाल समझता है उसका कोई ना कोई असर हो, जो मनशा असर हो इंसान उसे कमाल समझता है। मसलन पैसा हमें क्यों पसंद है, क्योंकि पैसा मनशा असर है, हमारी कमजोरियों को दूर करता है। मेरा दिल है बर्गर खाने का, जेब में पैसा नहीं कैसे खाऊंगा, पैसा मेरी जरूरत को पूरा करेगा। सफर पे जाना चाहता हूं, गाड़ी की जरूरत है, नक्श समझ रहा हूं अपने अंदर, गाड़ी नहीं है तो गोया मैं कमजोर हूं, नक्श है मेरे पास। बाइक पे हूं, कहता हूं गाड़ी पे आ जाऊं, नक्श समझ रहा हूं। इस नक्श को, इस कमी को कौन पूरा करेगा, पैसा पूरा करेगा। वरना कागज के टुकड़े में रखा क्या है, कॉपी का कागज हो और कायदे आजम वाला कागज हो, फर्क क्या है इसमें? फर्क यही है कि वो जो कॉपी में कागज है वो मेरी कमजोरी को दूर नहीं कर रहा, वो मेरे नक्श को दूर नहीं कर रहा, लेकिन पैसा मेरे नक्श को क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। इंसान आशिक़े कुदरत है, इसे पावर चाहिए, इसे ताकत चाहिए। अब इसने समझा मुझे ताकत हुकूमत से मिलेगी, हुकूमत को इसने कमाल समझा, क्योंकि मनशे असर समझा, हुकूमत मिलेगी तो मेरी जिंदगी में असर आएगा, असर ही आएगा कि मैं पावरफुल बन जाऊंगा। अब दिन रात हुकूमत को लेने के लिए जुल्म भी करता है, लोगों को लूटता भी है, मारता भी है, क्योंकि मुझे हुकूमत मिल जाए। क्योंकि इंसान को कभी पसंद नहीं है कि कोई इसे ना बोले, इसे जो चाहिए कहता है फौरन मेरे पास आ जाए। आधी रात को उठता है, खाना हो, कहता है फौरन मिले, फला जगह पे जाना हो फौरन मिले, क्योंकि इंसान के अंदर लामहदूद चीजों की तलब की ख्वाहिश है, तभी ये इंसान है। अगर इसे कोई चीज मिलती नहीं भी है लेकिन इसकी ख्वाहिश मेरे पास हो, फिजिकल ना भी मिले, रात को ख्वाबों में वो चीज हासिल करता है। मसलन करबला नहीं जा सकता, अब ख्वाब में सोचता है जा रहा हूं, ख्वाब में वो अपनी ख्वाहिश को कहां पूरा करता है, ख्वाब में पूरा करता है। क्योंकि इंसान रुकने का नाम नहीं लेता, इंसान रुकने का नाम ही नहीं है, इंसान फुल स्टॉप का नाम ही नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर रूह है और रूह लामहदूद है, वो लामहदूद की तालिब है, वो लामहदूद की ख्वाहिश रखती है, तभी तू हमेशा तगय्युर और तसर्रुफ में होता है, चीजों को अपने तसर्रुफ में लाता है, फिर उन्हें बदलता रहता है। मसलन आज से 20 साल पहले 30 साल पहले की फिल्में ड्रामे उठा के देख लें, उस जमाने में जो लोग कपड़े पहनते थे आज के लोग उन पे हंसते हैं। आज कोई वो कपड़े पहनेगा जो उस जमाने में पहनते थे, फिर लोग हंसेंगे, लेकिन उस जमाने में उन कपड़ों को बड़ा हसीन समझा जाता था। तो डे बाय डे हुस्न बदल रहा है, जिस चीज को कल हसीन समझा जाता था उसे आज हसीन नहीं समझा जाता, और जिस चीज को कल बुरा माना जाता था उसे आज बुरा नहीं माना जाता। मसलन 30 साल पहले अगर कोई फटी हुई पैंट पहनता,
लोग बोलते गरीब है बेचारा, थोड़ा चंदा करके दे दो इसे। लेकिन आज पहन क्या है बेटा, अमीर है, मॉडर्न है, फैशनेबल है, पढ़ा लिखा है, ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है। तारीफ के लिए कितने जुमले आ गए, मतलब जो सोच कल थी वो आज नहीं है। हमेशा इंसान तगैयुर में होता है, जुस्तजू में होता है। इसे तगैयुर पसंद है, इसे जिद्दत पसंद है, इसे तसर्रुफ पसंद है। ये जमीन में तसर्रुफ करता है, मिल के खुदा में तसर्रुफ करता है। लेकिन मासूम फरमाते हैं इसे कहीं भी करार नहीं आता। ये मेन पॉइंट है। इसने समझा गाड़ी मिलेगी, कमाल है, मिल गई हफ्ते में बोर का, ये चीज मिल जाए ये हुस्न है। मुसावात में भी राजी नहीं रहता। देखा फला साहब के पास कौन सी गाड़ी, अच्छा सिविक गाड़ी है, चलो मैं इससे बड़ी लाता हूं, रुकने का नाम नहीं लेता। बड़ी आ गई, उसने बड़ी ली, फिर कॉम्पिटिशन। नेचर इंसान है, फितरत इंसान है, कौन सा कपड़ा पहना मैं वो पहनू, मेरे पास वो हो जो किसी के पास ना हो। यूनिकनेस के पीछे होता है, यूनिक चीज मेरे पास होनी चाहिए जो किसी के पास ना हो। इल्म की तलाश में निकलता है, क्यों, समझता है इल्म आएगा मेरी कमी दूर होगी, इल्म आएगा मुझे दर्जा मिलेगा, मुझे मकाम मिलेगा। तो मासूम फरमाते हैं तू हमेशा लामहदूद के पीछे होता है। मैंने पहली मजलिस में बताया था, यहां तुझे करार नहीं मिलता। दूसरी चीज, जब किसी शय की तलब होती है इसमें दो खासियतें होती हैं। मसलन अगर मुझे प्यास लग रही है तो पानी का होना जरूरी है। बच्चा जो शिकम मादर में अल्लाह उसे आंखें दे रहा है, आंखें वो देनी चाहिए जो दुनिया की रोशनी को बर्दाश्त करें, वरना आंख किसी काम की नहीं है। मतलब तालिब और मतलूब में सिनखियत का होना बड़ा जरूरी है। अगर सिनखियत नहीं तो फायदा नहीं। मिसाल के तौर पर यह मेरा हाथ है, अगर ये हाथ इसको लम्स करे, इसको महसूस करे, यानी इन दोनों के अंदर सिनखियत का होना जरूरी है, वरना मैं समझ नहीं पाऊंगा कि यह सख्त है नर्म है। इसको महसूस करने के लिए मेरे हाथ वैसा ही होना चाहिए, इसको समझने के लिए दांत वैसे होने चाहिए जो गोश्त को चबा सकें, आंखों का पावर वो हो जो इस बल्ब की रोशनी को बर्दाश्त कर सकें। ऐसा ना हो कि बच्चा दुनिया में आए और रोशनी इतनी ज्यादा हो कि बच्चा अंधा हो जाए। नहीं, अल्लाह सिनखियत देता है। कान ऐसे हों जो आवाज सुन पाए, वरना कानों का फायदा नहीं। पानी ऐसा हो जो मेरी प्यास को बुझाए। इस पानी में और मेरी किडनीज में सिनखियत होनी चाहिए, वरना फायदा नहीं है। आप तलब उसी चीज की करते हो जिसकी सिनखियत आपके अंदर होती है। आज तक आपने देखा किसी को भूख लगे टिश्यू पेपर खाए? आप कभी टिश्यू पेपर की तलब नहीं करोगे, क्योंकि उससे आपकी भूख बुझने वाली नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई सिनखियत नहीं है। तो फरमाया अगर तू किसी चीज का तालिब है, इसका मतलब उसका वजूद तुझसे मिलता जुलता है। तू रूह है वो खुदा है, तू कतरा है वो दरिया है, तुम्हारे अंदर इलाही निशानियां मौजूद हैं। तभी फरमाया हदीस कुदसी में, अए मेरे बंदे मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना देता हूं। जिस तरह मैं कहता हूं कुन फयकून, फिर तू भी कहेगा कुन फयकून हो जाएगा। अब लोग कहते हैं किस तरह अली ने मुर्दे को जिंदा किया, किस तरह ईसा ने मरीजों को शफा दी, किस तरह कंकर ने मोहम्मद के हाथों पे कलमा पढ़ा, क्योंकि सिनखियत मौजूद है। जब तुझे वो मिल जाए जिसका तू तालिब है, अगर गुंजाइश है मांगने की तो वो तुझे मिल जाता है। और कैपेसिटी का होना जरूरी है। जिस तरह मैंने कहा टिश्यू पेपर मेरे पेट के लिए नहीं बना, तो अगर मैं किसी ऐसे वजूद को ढूंढ रहा हूं कि दुनिया में मुझे करार नहीं मिल रहा, मेरी जिंदगी में फुल स्टॉप नहीं है, आज जो चीज मुझे हसीन लग रही है 10 साल बाद वो मुझे हसीन नहीं लगेगी, इसका मतलब मैं हुस्न मुतलक की तलाश में हूं। और मासूम फरमाते हैं जिसकी तलाश में है वो वजूद वजूद परवरदिगार आलम है। तब आवाज आती है या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका रावियत मर्दिया। तब इंसान को समझ आता है कि लिकाउल्लाह का मजा क्या है। अगर तू समझ जाए तू है क्या, तेरे पावर्स क्या हैं, तेरी ताकतें क्या हैं। 60 साल तुमने कमालाते हैवानी में गुजार दिए, अभी तक नहीं समझा कमाले इंसानी क्या है। जब उसका इश्क तेरे दिल में आ जाता है, क्योंकि वही है जिसका तू आशिक है, और तुझे पता नहीं मैं किसका आशिक हूं। ये दुनिया में जिन चीजों का आशिक है ये तू नहीं, ये तेरा हैवान उनका आशिक है। तेरी रूह सिवाय खुदा किसी की आशिक नहीं हो सकती, क्योंकि रूह की भूख को अगर कोई बुझा सकता है वो वजूद अल्लाह महदूद परवरदिगार आलम है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। अब ये रब्त कौन दिलाता है? ये इमाम मासूम है।
जो खुद खुदा से मुत्तसिल है, जो खुद उस रूह समदी से मुत्तसिल है, ये इमाम का वजूद है जिसके लिए कहा तनज्जुलुल मलाइकत व रूह, जिसके ऊपर मलाइक नाजिल होते हैं, फ्यूजात इलाही नाजिल होते हैं। तभी फरमा इंसान अगर बुलंदियों की तरफ जाए तो ये अल्लाह के मलाइकों से भी अफसल हो सकता है।